हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही थी ये लहसुन का अचार, गार्लिक जिसे बोलते हैं। तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ रेसिपी इसकी, कैसे बनता है। ये है 1 kg गार्लिक, और 1 kg गार्लिक के लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पे पीला सरसों, येलो मस्टर्ड सीड, ये मैंने लिया हुआ है इस स्पून से 8 चम्मच है ये, और सेम इसी स्पून से मैंने लिया है 2 भर भर के बड़े चम्मच ये सौंफ फेनल सीड, ये 1 चम्मच उसी से मैंने लिया हुआ है अजवाइन, और ये 1/2 चम्मच है मेथी दाना। इन मसालों को हम हल्का सा गरम करेंगे। आप चाहें तो बिना गरम किए भी इसे दरदरा पी सकते हैं, या फिर चाहें तो हल्का सा, बस गरम करना है, भुनना नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे है, मैंने लिया हुआ है काला नमक है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, हींग है, और ये आमचूर पाउडर है, ड्राइड मैंगो पाउडर 2 चम्मच है इससे भर करके, और ये कलौंजी भी बोलते हैं इसे, मंगरेल भी बोलते हैं, 1 चम्मच है, और ये सॉल्ट है 2 चम्मच भर के मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये काला नमक भी लिया हुआ है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसी स्पून से मैंने भर करके 2 चम्मच लिया है, और ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने लिया हुआ है। तीखा भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मस्टर्ड ऑयल, ये 1/2 लीटर मस्टर्ड ऑयल है, इसे मैंने लिया है इसमें डालने के लिए। इस ऑयल को हम गर्म करके डालेंगे। ये जो लहसुन का अचार होता है बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो अचार हम खाते ही हैं घर पे खाने के साथ, तो क्यों ना घर पर ही से बनाया जाए, ताकि ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो मार्केट से लेने की बजाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे प्रोसेस। तो ये जो गार्लिक है मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो बर्तन थोड़ा बड़ा चाहिए था, क्योंकि अच्छे से मिला सकें। इसके बाद ये सारे सूखे जो मसाले हैं इसे हम इसमें डाल देंगे, और ये पाउडर बना लिया है मैंने दरदरा, जो सरसों था और सौंफ मेथी अजवाइन। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसे एक बार अच्छे से मिक्स